हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट में प्रार्थी प्यारे दोस्तों आपको कि स्थान से दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने ये देखा था कि स्थान से दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्नों को एक दो हमने देखा भी था और एक दो प्रश्न मैंने लिखे हैं कि वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपके जितने सिलेबस के अंदर आता है, जितना लेवल आता है, उतने लेवल के ही अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे हाई लेवल पढ़ना बेकार है। ठीक है, सफिशियंट पढ़ेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितना आता है उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जैसा कि प्यारे दोस्तों टेस्ट हमारा लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन टेस्ट का, तो आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करो और ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करके उसमें ये देखो कि आपकी स्कोरिंग कितनी है। आपकी स्कोरिंग अच्छी आ रही है प्यारे दोस्तों, तो आप ये मान के चलना हमारा सिलेक्शन इसी वे में हो जाएगा। और यदि आपकी स्कोरिंग गड़बड़ आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ लो प्यारे दोस्तों, आपको और पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भाई दोस्तों, तो अब हम देखते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आपके लिए और एक एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलते हैं, पहले एक बार इसको नोट डाउन आप कीजिए, फिर चलते हैं अपन। ठीक है भाई दोस्तों, नोट डाउन कीजिए एक बार। अब इस वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लिया होगा आपने शायद, तो अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है भाई दोस्तों, देखिए, नीलम एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। आपने क्या करना है, पहले डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यहां पे दिशाओं के नाम तो दे ही लिए होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये चीज देख लिया होगा, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। क्या छोटी सी चीज का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये ध्यान में रखना है आपको। देखो, आप छोटी सी क्लास में थे, उस टाइम आपने ये चीज देखी थी, ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप बोलोगे कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज की एक परिभाषा होती है, क्या? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। देखो, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल आपको ज्ञान दे रहा हूं, सुनिए आराम से समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इजी परिभाषा है। ठीक है, शेष दोनों कोण 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एंगल हम लेते हैं थीटा। क्या लेते हैं प्यारे दोस्तों? थीटा। ठीक है, तो मैं आपको ज्ञान वो दे रहा हूं, बुझाऊंगा पहले, किसका ज्ञान? बुझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री के जो सामने जो कोण होता है वो तो होता है हमारा कर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कर्ण होता है। ठीक है, आपको पहले भी आता है और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूं। 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? लंब। ठीक है, और बाकी जो शेष भुजा होती है वो क्या होती है आपकी प्यारे दोस्तों? आधार होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? आधार होती है। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखो क्या सीखना है कि सर, बड़ी वाली भुजा का यदि स्क्वायर कर देते हैं हम, क्या सीखना है प्यारे दोस्तों? बड़ी वाली भुजा का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कह रहे दोस्तों? मैंने एक चीज बोली आपसे, क्या? कि कर्ण का यदि स्क्वायर कर देते हो आप, क्या मेरे प्यारे दोस्तों?
कर्ण का स्क्वायर यदि कर देते हो तो ये दोनों छोटी भुजा है, एक तो लंब है और एक आधार है, एक लंब है और एक आधार है, इन दोनों के स्क्वायर क्या कह रहे दोस्तों, इन दोनों के स्क्वायर के योग के क्या होता है, ये बराबर होता। मैं ये कह सकता हूं देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके दिमाग में चल रहा सर ब्रैकेट लगा दिया उसमें ब्रैकेट नहीं लगा जिसमें लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई दोस्तों। तो आप ये देखिए, आपको मैं छोटी सी और चीज बताने जा रहा हूं, क्या आप ये चीज तो जानेंगे कि सर इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी इसकी भुजा क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं क्या, कि मेरे प्यारे दोस्तों जिस भी कोण का मान सबसे अधिक है, ठीक है, जिस कोण का मान सबसे अधिक है उस भुजा का मान भी सबसे अधिक होगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि सबसे बड़ी भुजा वाले के जो सामने कोण होता है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा कोण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और केवल मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो ये मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया आपका, ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ये भुजा तीन है, ये भुजा चार है, तो बताओ ये भुजा कितनी होगी, तत्का तो मारने जानते हो, तो तुक्का क्या मारोगे सर, ये तीन ये चार होगी, ऑटोमेटिक क्या हो गई, पांच हो गई, क्या होगी प्यारे दोस्तों, पांच। और रियल तीन में पांच होती भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से याद करने की आवश्यकता नहीं है, तीन चार पांच। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान में होना चाहिए कि पांच कर्ण होता है, चार आधार होता है, तीन क्या होता है, लंब होता है। इन दोनों में चेंजेस हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण सबसे लंबा होता है, इसलिए ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये आधार हो जाए, हो सकता है ये लंब हो जाए, क्यों डिपेंड करेगा मेरे प्यारे दोस्तों थीटा के ऊपर। अगर थीटा यहां पे होगा तो ये लंब हो गया, और अगर थीटा यहां पे होगा तो ये लंब हो गया, क्लियर। तो ज्यादा गणित समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्यारे दोस्तों कि हम कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको कुछ लिख देता हूं, देखो जैसे कर्ण कितना हुआ, पांच, कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, पांच हुआ, तो लंब कितने ले लेंगे, तीन और चार। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ठीक है, पांच तीन चार, या फिर आपकी सुविधा के लिए मैं एक चीज बोल दूं, क्या ऐसे बोल देता हूं मैं सुविधा के लिए, क्या तीन चार और पांच, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप क्या करोगे सर, पांच तो कर्ण है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो कर्ण ही है, मैंने बता दिया आपको, और ये दोनों क्या है, आधार और लंब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं ऐसे ही जोड़ लिख रहा हूं, वो आपको थोड़ा याद रखना, अब याद तो कुछ नहीं रखना, देखो हालांकि मैं कुछ तो मैं बना ही देता हूं आपको समझने के लिए। सभी को दो से मल्टीप्लाई करो, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को दो से मल्टीप्लाई करो, तो देखो पांदुनी दस, क्या बोलोगे आप, पांदुनी दस, जब इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो चार दुनी आठ, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तीन दुनी छह, इसका भी पेयर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, छह आठ दस, देखो छह छत्तीस, आठ अंक चौसठ, चौसठ और छत्तीस को जोड़ो कितना हो गया सौ, और सौ का लब्ध करोगे कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। अब देखिए उसके बाद में इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब तीन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पांच तिया पंद्रह, चार तिया बारह, और तीन तिया नौ, नौ बारह पंद्रह, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यदि इसको मैं ऐसे चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितने से, चार से, तो चार पंजे बीस, चार चौक सोलह, और चार तिया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैंने कुछ आपको लिखे हैं, और भी आवश्यकता पड़ती है तो और भी अपन यूज ले लेंगे, निकाल लेंगे, कैसे निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये उतार लीजिए एक बार आप, ठीक है, वीडियो को यहां पे रोक लीजिए और ये आप उतार लीजिए, और उसको भी मैं लिख देता हूं कैसे, आपको देखो मैं समझा रहा हूं, अभी रोक लीजिए वीडियो को, आराम से लिख लीजिए कैसे निकालते हैं वो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया आपको,
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप मेरे से बोलोगे कि सारा आपने तो ये कहा है मेरे से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये बुझाएं दे दी कि मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको ये बुझाएं दे दी और आपको निकालना है सीधे सीधे। देखो हालांकि ट्रिक भी होती है इनकी, लेकिन ट्रिक पे जाओगे ना मेरे प्यारे दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाएगा मैटर, फिर आप मेरे से बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, केवल एक ही फंडा बताऊंगा और उससे निकालना है आपको। क्या? एक ही फंडा बताऊंगा उससे निकालना है, ठीक है ना। अपन नौकरी वाले एग्जाम्पल देंगे कि सर हमको हर चीज की ट्रिक बताओ, ठीक है ना। ट्रिक भी मैं बता दूंगा, बहुत इजी बात है, लेकिन ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। साल भर यदि पढ़ोगे तो मैं ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है ना। साल भर पढ़ोगे सब चीज बताता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, टाइम कम है, टाइम कम है, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेके पढ़ता पढ़ाएंगे पूरे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपसे मैं बोल दूं, क्या यहां पे कितना आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे कितना आएगा, 5, 12 और यहां पे कितना आएगा, इसको निकालना है। यहां पे तो है ही नहीं चीजें, देखो यहां पे 5, 12 होना चाहिए, 12 है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बोलते 3 आएंगे यहां पे तो, लेकिन ऐसा ही नहीं, यहां पे 5 है, यहां पे 12 है, तो ये मिल ही नहीं रहा। यहां पे 15 है, 12 है, ठीक है, ये चीजें मिलनी चाहिए दोनों की दोनों, तब जाके तुम्हारा आंसर इसमें से आ जाएगा तीसरे नंबर पर। अगर नहीं है तो हम निकालना सीख रहे हैं।